आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, दलित साहित्य की आवाज, बयान टीवी। जय भीम साथियों, आपके साथ मैं हूं साक्षी गौतम और हमारे साथ में त्रिशला बौद्ध है, एक गायिका है, आपका स्वागत है। मेरा नाम त्रिशला बौद्ध है, मैं ध्यानतपुर से आई हूँ और मैं 11th क्लास की विद्यार्थी हूँ। त्रिशला, आपने गाने की शुरुआत कब से की? मैंने गाने की शुरुआत 2010 से करी थी। 10 से करी थी। पहला गाना आपका कौन सा था? मेरा पहला गाना था बाबा की देखी तस्वीर मेरे दिल में बस। आपने अब तक कितने गाने गा चुकी हैं? मैं अब तक कम से लगभग 30 या 32 गाने गा चुकी हूँ। आप अकेले गाती हैं, ग्रुप के साथ गाती हैं? मैं अपने ग्रुप के साथ गाती हूँ, जो कि मेरे फादर हैं, वो अपना गुम्मी वो चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं। ओके, तो आपका जो सबसे हिट गाना हुआ वो कौन सा था? मेरा सबसे हिट गाना था सोसत मानवता का प्यार, खोया हुआ तेरा अधिकार, बाबा साहब की बदौलत मिला है तुम्हें। तो थोड़ा सा इस गीत को गुनगुना के दिखा दीजिए। सोसित मानवता का प्यार, खोया हुआ तेरा अधिकार, बाबा भीम की बदौलत मिला है तुम्हें। सोसित मानवता का प्यार, बने हुए कोठी तेरे, महल और चौवारे, बिजली का चलता पंखा, नहाने को फुवारे, बैठकर कुर्सी पर अखबार, तुमको पढ़ने का अधिकार, बाबा भीम की बदौलत मिला है तुम्हें। सोसित मानवता का प्यार। आप एक युवा हैं और 11वीं में पढ़ रही हैं, तो आपको गाने की शुरुआत कैसे, किसके माध्यम से हुई, किससे प्रेरणा मिली? देखो, मेरी गाने की शुरुआत वैसे तो मेरे फादर हैं, जो कि इस पार्टी को चलाते हैं, लेकिन एक दिन पार्टी का कौन सा नाम है? पार्टी है राष्ट्रीय अम्बेडकर मिसल प्रचार मंडल, बसपा। और जब एक दिन पापा जी गा रहे थे, तो उसी समय 2010 में पहली बार मैंने गाना गाया था, जनवरी में, 15 जनवरी को बहन जी के जन्मदिन पर। ये मैंने खुद सीखा है, और जब पापा जी गाते हैं तो खुद सीख के खुद ही खुद गाते हैं, और मैं एक कवि भी हूँ जो खुद लिखती हूँ गाने और खुद ही गाती हूँ। तो आपका कौन सा खुद का गाना लिखा हुआ है? मैंने लिखा है, तर्ज है सुन सोणियो, सुन दिलदार रब से भी ज्यादा, तो उस तर्ज से, उस तर्ज को सुनाइए थोड़ा। माँ भीमा के लाल थे अम्बेडकर, दुनिया में आए महान बनकर, संविधान लिखा भारत देश का, आँखों में छाए वो शान बनकर, भीम की बदौलत है हमें जो बढ़ाया है, भीम ने कहा था कि गर्व से जीना है भीम सांसों में सबके छाया है भीम सांसों में सबके छाया है, दुनिया में आया सम्मान लेकर, माँ भीमा के लाल थे अम्बेडकर, दुनिया में आए महान बनकर, संविधान लिखा भारत देश का, आँखों में छाए वो शान बनकर। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे गीतों के माध्यम से? देखो, हम अपने युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐ वो होते हैं जो अपने वक्ता करके संदेश देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने गाने के माध्यम से संदेश देते हैं कि हमारे समाज में जो भी अत्याचार होते हैं उनको सुधारना, जैसे अपना, जैसे हमारी बेटियों के, हमारे इस देश में बेटियों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, उनको सुधारना, अपने गाने के माध्यम से संदेश देते हैं कि बाबा साहब ने सबको समानता का बराबर का अधिकार दिया था, तो हम भी सबको समानता का बराबर अधिकार देकर के अपने गाने के माध्यम से देते हैं संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।